चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे इसका। हैंडरसन आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक ओशन हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स रिमार्केबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अनटच्ड इकोलॉजी। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हैंडरसन आइलैंड है ये कहाँ पर है, ये लोकेशन कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक ओशन में है, ठीक है ना। और ये ऑलवेज बीन नोन फॉर इट्स रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है बहुत ही ब्रह्मणीय, बहुत ही सुंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अपनी जो विविधता है, जो आपका बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और अनटच्ड इकोलॉजी, जो अनछुई जो इकोलॉजी, मतलब वहाँ पर बहुत कम लोग जो है वहाँ पे जाते हैं और एकदम सुनसान है और एक इस प्रकार का है कि बहुत कम लोग जो है वहाँ पे उसकी खोज उसके बारे में पता कर पाए हैं। नाउ अब क्या हो रहा है कि नाउ द रिमोट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट लाइज, अब ये क्या है, देखो अब इसको किसमें लिस्ट में नाम दिया है, एक यूनेस्को की ये एक वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है जो कि कहाँ पर है। देखो लोकेशन की बात हो रही है दोस्तों, देखो क्या है जो कि 3100 माइल्स है, मतलब करीब 5000 किलोमीटर फ्रॉम द क्लोजेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट, जो इंसान कहीं रहता है तो उससे 5000 किलोमीटर जो है अवे ये आइलैंड है हैंडरसन आइलैंड, ठीक है ना। कैन ऑल्सो ले क्लेम, अच्छा आगे क्या, कैन ऑल्सो ले क्लेम टू बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ। आप देखो इंसानों के सेटलमेंट से, किसी इंसान की बस्ती से इतना 5000 किलोमीटर दूर होने के बाद भी जो है इसको ये एक क्लेम कर सकता है, किसके लिए क्लेम कर सकता है, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेसेस, कि वो अपने आप को इस तरीके से क्लेम कर सकता है कि वो जो है एक पूरी धरती के ऊपर एक सबसे पोल्यूटेड जगह है ना, एक सबसे पोल्यूटेड प्लेस है पूरी धरती पे, है ना। मतलब ये हो रहा है कि इतने दूर होने के बावजूद जो है पूरे धरती के ऊपर ये जो जगह है, ये जो हैंडरसन आइलैंड है, ये सबसे पोल्यूटेड जगह है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। देखो जेनिफर लेवर्स, ठीक है, जेनिफर लेवर्स अ रिसर्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ये इनका नाम है जेनिफर लेवर्स, ये क्या है एक रिसर्चर है, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानियाज इंस्टीट्यूट फॉर मरीन एंड एंटार्क्टिक स्टडीज, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज ये इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, ये रिसर्चर है हु हैज़ बीन स्टडिंग, जो कि क्या स्टडी पढ़ रहा है, क्या पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कोरल अटॉल, कोरल अटॉल का अटॉल मतलब एक आइलैंड, ठीक है, अटॉल का मतलब होता है एक आइसलैंड, किसका आइलैंड, जहाँ पे कोरल पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स है ना, एक प्रकार का एक प्रजाति, एक प्लांट्स होते हैं कोरल जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं समुद्र में, तो उसकी ये स्टडी कर रहे हैं फॉर अ फ्यू ईयर, काफ़ी कुछ सालों से ये स्टडी कर रहे हैं। इनका मानना है, ध्यान देना, इनका क्या मानना है, सेज दैट द टाइनी, ये एक छोटा सा आइलैंड है ना, कितना है देखो, टाइनी है और 14.4 स्क्वायर माइल्स का इसका एरिया है, किसका, हैंडरसन आइलैंड की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, 14.4 स्क्वायर माइल का इसका एरिया है, लगभग 37.3 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है इस आइलैंड का, इस है ना मिले किलोमीटर आइलैंड इज होम टू ओवर, देखो इतना छोटा है उसके बाद भी आप देखो होम टू ओवर 38 मिलियन पीसेस ऑफ वेस्ट, कितने पीसेस ऑफ वेस्ट उसके अंदर अभी तक पाए गए हैं, ओवर ज्यादा, किससे, 38 मिलियन पीसेस ऑफ वेस्ट से ज्यादा, इतने छोटे से ऐसे आइलैंड पे पाए गए जहां पे लोग रहते ही नहीं है, सोचो आप। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अब देखो कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या, देखो दिस इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट रिकॉर्डेड Anywhere in the world, ये जो density है, इतनी जो quantity है, ये अभी तक पूरे दुनिया में अगर record की गई तो सबसे ज़्यादा अगर density ये मानी गई है, ठीक है ना। Anthropogenic waste का मतलब होता है इंसान के द्वारा निर्मित, है ना, human made waste, ऐसा waste जो इंसानों द्वारा फैलाया गया, ऐसा है ना, इंसानों द्वारा ये plastic वगैरह ये सब human made हो गया, anthropogenic waste recorded anywhere in the world। उसके अलावा देखो 99.8% जो है ऑफ द पोल्यूशन प्लास्टिक, और ये जितना भी वेस्ट उसमें हमको पाया गया यहाँ पर इस आइलैंड पे, उसमें से 99.8% केवल प्लास्टिक का पोल्यूशन था, प्लास्टिक का वेस्ट उसके अंदर पाया गया। देखो आप नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ ट्रैश इज सरप्राइजिंग गिवन दैट द आइलैंड द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ फोर पिटकेर्न volcanic islands has no residents and is visited by scientists only once or twice every decade।
देखो यहाँ पे एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात पता है क्या है, क्या है देखो कि ये इतना जो ट्रैश का मतलब इतना जो वेस्ट है वो आश्चर्य की बात ये है कि ये इस प्रकार के आइलैंड पे है जो कि एक सबसे बड़ा ग्रुप है। किसका ग्रुप है? एक फोर पिक्टेरियन वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक चेन है चारों की, उनमें से ये आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि वहां पे कोई भी रहता नहीं है, वहां पे कोई भी रेसिडेंट नहीं है, एंड इज विजिटेड और वो साइंटिस्ट के द्वारा विजिटेड, मतलब साइंटिस्ट लोग वहां पे जाते हैं ओनली वंस और ट्वाइस हर डिकेड, हर 10 साल के अंदर जो है एक या दो दफा साइंटिस्ट वहां पे जाते हैं, वो भी किसी रिसर्च के काम से। उसके बावजूद इतना ज्यादा पॉल्यूशन है वहां पे, इतना ज्यादा कचरा वहां पे ढेर पड़ा हुआ है, तो उसका क्या कारण है वो देखते हैं आगे। तो देखो हावेवर, अब बात हो रही, देखो हावेवर इट एज इट टर्न्स आउट, अब देखो जैसे कि ये कहावत है या जैसे कि अंत में ये सच्चाई, ये बात सच आ जाती है क्या कि ह्यूमंस डू नॉट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू पल्यूट एन एरिया, कि इंसानों को जो है शारीरिक रूप से फिजिकल रूप से कहीं पर पल्यूशन करने के लिए कहीं पे प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान जहां है वहीं पल्यूशन होगा, इंसान जहां नहीं रहता है वहां पर भी वो उसके द्वारा जो किया गया पल्यूशन है या जो पल्यूटेड जो वेस्ट है वो जा सकता है। जैसे कि हम लोग धरती पर रहते हैं लेकिन हमारा जो पल्यूटेंट है, जो वेस्ट मटीरियल है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सब का सब नदी के रास्ते समुद्र में चले जाता है और फिर नुकसान किसको देता है? समुद्री जीवों को नुकसान करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो भी समुद्र के रास्ते जो है पूरा आइलैंड पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा वेस्ट जो ट्रैश है वो। देखो इन दिस केस, ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें क्या हो रहा है, ये जो ट्रैश है, ये जो वेस्ट है, ये जो कचरा है ना, इज ब्रॉट इन, वो कैसे आया इस आइलैंड पर, कैसे आया? बाय द साउथ पैसिफिक गायर। गायर का मतलब होता है एक लहर, एक करंट है ना, एक करंट या फिर जो समुद्र की जो लहर होती है उसकी बात हो रही है, और बहुत बड़ी, एक छोटी मोटी लहर नहीं, एक पूरी तरीके से उसका जो बहाव जो है समुद्र का, एन ओशन, देखो लिखा हुआ है ओशन करंट दैट सेंड्स गार्बेट, जो कि गार्बेट क्या करती है, बॉबलिंग मतलब बिल्कुल उछल उछल के, बिल्कुल बहाव, बहते हुए है ना, बॉबलिंग का मतलब है यहाँ पे बहते हुए है ना, बहते हुए थ्रू द सी, समुद्र से टू हैंडरसन, हैंडरसन मतलब वो आइलैंड की बात हो रही, मतलब ये क्या हो रहा है कि साउथ पैसिफिक जो गायर है वो लहर है, वो अपने साथ जितना भी कचरा जो उसके साथ इकट्ठा होता है वो सब बहते हुए उसको कहाँ लेके जाती है, पूरा का पूरा हैंडरसन आइलैंड तक वो पहुँचा देती है कचरे को, वो लहरें, और वहाँ पर वो सारा का सारा कचरा जो है जमा हो जाता है। द प्राइमरी ऑफेंडर मतलब शुरुआती जो कचरे हैं, जो ऑफेंडर्स का मतलब होता है शुरुआती जो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं बिना किसी परमिशन के, जो नियम तोड़ने वाले है ना, जो रूल ब्रेकर, ब्रेकर्स है ना, ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है, रूल ब्रेकर। तो ये जो शुरुआती जो कुछ कचरा है ना, यहाँ पे ऑफेंडर किसको बोला गया है, यहाँ पे ट्रैश को या उस कचरे को बोला गया है। तो शुरुआती जो कचरा है वो क्या है, किस फॉर्म में होता है, वो होता है फिशिंग रिलेटेड डेब्रिज, जो कुछ बचा कुचा जो डिब्बे वगैरह है ना, मछली पकड़ने में जो यूज होती हैं चीजें हैं वो सारी, जैसे कि लाइन्स है या फिर जाल वगैरह होती है जो वो है, या फिर उसके अलावा कुछ सिंगल यूज हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह है वो भी सारे शुरुआत में ये सारी चीजें आई। चलिए आगे क्या है, देखो व्हाट्स इवन वर्स, देखो सबसे बुरी क्या बात है, सबसे भयानक, उससे भी क्या आश्चर्य की बात है, दैट द अनसाइटी रबिश स्कैटर्ड अक्रॉस, अनसाइटी का मतलब होता है, अनसाइटली का मतलब होता है बिल्कुल आंखों पे ना देख पाने योग्य है ना, साइट मतलब देखना, अनसाइट मतलब बिल्कुल गंदा सा दिखने वाला, बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला, आंखों को बिल्कुल ना भाने वाला ऐसा रबिश, एकदम कचरा, वो सब दूर स्कैटर्ड है, मतलब सब दूर फैला हुआ है, अक्रॉस दी आइलैंड, आइलैंड के सब दूर वो फैला हुआ है। आइलैंड्स कहाँ, सैंडी बीचेस, जितने भी उसके आसपास के जो बीच है सारे बीचेस पे ये कचरा फैला हुआ है। इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, देखो ये सबसे खराब सबसे वर्स्ट चीज पता क्या है कि ये जितना आपको दिख रहा है सामने ये तो केवल क्या है, एक चोटी का, एक पूरे के पूरे पर्वत का, एक पूरे पर्वत का केवल एक ऊपर की चोटी है। इसका क्या मतलब है कि ये तो कुछ भी नहीं है, है ना, इसके अलावा बहुत सारा कचरा है, मतलब ये तो बिल्कुल
ये तो बिल्कुल एक शुरुआत है, इस तरीके से बोलते हैं ना कि ये केवल टिप है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब परेशानी जो है इससे भी बहुत बड़ी है, है ना। तो ये जो कचरा अपन को दिख रहा है ये तो मात्र कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर की माने तो क्या हो रहा है, देखो ओवर 68% ऑफ द जंक, वो जो है 68% जो जंक है, जो कचरा है वो क्या है, वो बरीड है अंदर, अंडर द सैंड, वो आप रेती के अंदर दबा हुआ है। इसका मतलब जो टोटल कचरा वहां पर है उसमें से 68% तो पूरा दबा हुआ है। इसका मतलब जितना कचरा हमको दिखता है बाहर वो तो मात्र 32% समथिंग है, असली में तो जो बहुत सारा कचरा जो है वो तो ऑलरेडी रेत के अंदर दब चुका है, ऑलरेडी वो वहां पे जा के पूरा दब चुका है। आप सोचो कितना ज्यादा उसके अंदर कचरा फैल गया है। दिस मीन्स देयर एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द ट्रैश फाउंड अप टू 10 centimeters बिलो द सेंड मे बी अंडर एस्टिमेटिंग द फुल एक्सटेंट ऑफ द पॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इन लोगों ने जब अपना एस्टिमेट निकाला 10 सेंटीमीटर तक अंदर तक खुदाई करी और उससे जो उन्होंने स्टडी करा, उससे इन्होंने जो एस्टिमेट निकाला उससे ये समझ में आया कि भैया जो जिस लेवल का पॉल्यूशन है उस आइलैंड पे उसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मतलब आप जितना मान के चल रहे हो पॉल्यूशन उतना नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा पॉल्यूशन ऑलरेडी उस आइलैंड के ऊपर हो चुका है, ठीक है, उस तरीके से बात हो रही है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि बिसाइड्स बीइंग एस्थेटिकली अनप्लीजिंग, मतलब ये तो ठीक है कि वो एस्थेटिकली मतलब देखते हुए, देखने योग्य, देखने में मतलब जब उसको अपन नजारा, मतलब जब आंखों से देखेंगे तो वो, ये तो ठीक है कि आप उसको देखने में भी वो बहुत ज्यादा क्या लगता है, अनप्लीजिंग लगता है, बहुत ही बेकार सा। अनप्लीजिंग का मतलब होता है मन को ना भाने वाला, आंखों को एकदम चुभने वाला, है ना, अनप्लीजिंग लगता है। ये वेस्ट तो है लेकिन उसके साथ अनप्लीजिंग द वेस्ट इज ऑल्सो, मतलब ये तो है कि वो देखने में बहुत खराब दिखता है वहां पर कचरा, लेकिन उसके साथ द वेस्ट इज ऑल्सो हार्मफुल टू आइलैंड्स वाइल्ड लाइफ, उसके साथ साथ जो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये वेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कैसे, अब देखो कुछ इंसिडेंट बताया कि लेवर्स और स्टडी को ऑथर है, ये लेवर्स और स्टडी को एक जो कंपनी है वहाँ के जो ऑथर हैं डिपार्ट उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के एलेक्जेंडर बॉन्ड उनका नाम है, इन्होंने इस चीज को फाइंड किया। उन्होंने पाया क्या, देखा कि हर्मिट क्रैब, हर्मिट का मतलब होता है जो अकेला एकांत में जो रहता है, है ना, हर्मिट क्रैब, जनरली हर्मिट मतलब ऐसा जो बहुत ही लोगों से, भीड़ भाड़ से अलग रहने वाला जो जानवर है, तो हर्मिट क्रैब जो है वो क्या करता है, टेकिंग रिफ्यूज मतलब छुप जाता है, किसमें छुप जाता है, इन अ टॉक्सिक कॉस्मेटिक जार, वो किसमें छुपता है, किसमें अपना सहारा लेता है, वो एक जहरीले कॉस्मेटिक डिब्बे में, प्लास्टिक के उसमें वो छुप जाता है और उस जहर के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है ना। उसके अलावा सी टर्टल, ये जो टर्टल है समुद्री जो है कछुआ, विच कम्स टू द आइलैंड, जो कि आइलैंड के ऊपर कब आता है, टू ले एग, अंडे वगैरह देने के लिए आता है, वो भी क्या देखा गया कि वो भी बेचारा फंस जाता है जाली में, इंटेगल इनसाइड द फिशिंग लाइन्स, जो फिशिंग जो लाइन्स वगैरह उसके अंदर भी फंस के उसकी भी जान चले जाती है, वो भी फंस जाता है। और क्या, द ट्रैश इज ऑल्सो हार्मफुल टू सी बर्ड, ये जो ट्रैश है, ये जो वेस्ट है, ये सी बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल है, नुकसानदायक है, और फिशेस के लिए भी है, जो दैट मिस्टेक द कलरफुल प्लास्टिक पीसेस फॉर फूड, जो कि गलती से उन कलरफुल प्लास्टिक की जो पीसेस है उनको खाना समझ के खा लेता है और उनकी जान चले जाती है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन आप लोगों का क्लियर हुआ, चलिए इस एक्सप्लेनेशन के बाद तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फटाफट इसके आंसर्स देने वाले हो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 26 वाला देख लेते हैं, अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, क्या टाइटल है इसका, आप देखो हैंडरसन्स आइलैंड, पिटकैन वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है, हो सकता है मे बी, है ना, ये भी आइलैंड की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑन हैंडरसन आइलैंड, कि हैंडरसन आइलैंड पे क्या क्या परेशानियां हैं, चलिए ये भी हो सकता है क्योंकि इस आइलैंड की बात हो रही है। और देखते हैं कौन सा सूटेबल हमारा है, द वंस प्रिस्टाइन हैंडरसन आइलैंड इज नाउ कवर्ड विद वेव्स, देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि एक किसी समय पे बहुत खूबसूरत था, प्रिस्टाइन मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल,
एक समय पे बहुत रमणीय, बहुत अच्छा। और जाहिर सी बात है, जब इंसानों की बसावट कम या वहाँ पे शिपिंग कम थी या फिर लोग जब प्लास्टिक का यूज़ कम करते होंगे तो प्लास्टिक वहाँ पर आता कम होगा, तो किसी समय पे तो वो बहुत सुंदर था आइलैंड, है ना। इज नाउ कवर्ड विद वेस्ट, अब क्या हो रहा है कि हर जगह वेस्ट से भरा हुआ है, तो ये भी हमारा एक्यूरेट लग रहा है। फिर क्या है, द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एंडेंजर्ड हैंडरसन आइलैंड, ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो केवल एक जगह इन स्पीशीज का कुछ इंसिडेंट दिया कि वो हो सकती है खतरे में, लेकिन बाकी तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो इन तीनों में से अगर दोस्तों देखें तो मोस्ट जो सूटेबल है वो हमारा क्या है, ये वाला है, क्योंकि शुरू के आप देखो कुछ लाइंस में उसके बारे में बताया गया कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसका नाम आया है, ठीक है, और वो अब जो है वो पूरी तरीके से वेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि यहाँ पेक्टेरियन वॉल्केनिक जो आइलैंड है, ये वॉल्केनिक आइलैंड के बारे में बहुत कम बताया गया है, केवल एक लाइन में डिटेल दिया है कि ये उसका पार्ट है, लेकिन सब कुछ उस वॉल्केनो से रिलेटेड कोई वहाँ पर डिटेल में बात नहीं बताई गई है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडरसन आइलैंड, तो इस आइलैंड की क्या क्या परेशानियां हैं वो भी नहीं बताया कि वहां रहने में क्या दिक्कतें आती, इस तरीके की बात नहीं हो रही, मतलब मोस्ट सूटेबल जो है आपका सी वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेन आइडिया हमको पता करना है किसका, इस पूरे के पूरे पैसेज का। दोस्तों आइडिया मतलब जब पूरे पैसेज में एक ओवरऑल उसकी क्या समरी है, क्या एक निचोड़ है, वो हमारा बेस्ट सूटेबल कौन सा है देख लेते हैं। देखो, हैंडरसन आइलैंड दो अनटच्ड बाय ह्यूमंस हैज, ये बी आ जाएगा, हैज बिकम द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस ऑन अर्थ। देखो बिल्कुल बिल्कुल पूरा समरी इसमें आ रहा है, कैसे कि हैंडरसन आइलैंड हालांकि वो इंसानों द्वारा बहुत अनटच्ड हुआ, इंसान तो वहां रहने नहीं गए, वहां पे कम लोग जाते हैं, हैज बिकम, फिर भी वो बन गया क्या, मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस, बिल्कुल सही जा रहा है, क्यों, क्योंकि पूरा सार भी यही हो रहा है कि भैया इतना उसमें कोई इंसान नहीं रहता है, उसके बावजूद आप देखो किस तरीके से वहां पर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। आगे देखो, हैंडरसन आइलैंड इज टुडे लुकिंग अगली, आज बहुत खराब दिख रहा है, विद द अमाउंट ऑफ ट्रैश, जो अमाउंट ऑफ कचरा वेस्ट है डम्ड देयर, वहां पे दबाया गया, बिकॉज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों के कारण नहीं, वहां तो कोई इंसान की कोई कॉलोनी बस्ती नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। द ट्रैश ऑन द आइलैंड इज हार्मिंग मरीन लाइफ, वहां के जो कचरा है वो मरीन लाइफ, जो समुद्री जो जीवन है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्यों, सिंस फिशेस ईट द कलरफुल प्लास्टिक पीसेस, फिश क्या करती, कलरफुल प्लास्टिक के पीसेस को खाती है, मिस्टेकिंग देम फॉर फूड। दोस्तों इसका विवरण जरूर दिया है, लेकिन पूरा का पूरा पैराग्राफ पैसेज आपका इसके बारे में नहीं, ये तो केवल उसका क्या है, इफेक्ट है, उसका एक इफेक्ट है कि उसका एक दुष्परिणाम आ गया है ना, तो इस तरीके से ये केवल एक पार्ट है, सभी नहीं है। नेक्स्ट देखो, द वेस्ट इज टर्निंग आउट टू बी अलार्मिंगली डेंजरस टू द इकोलॉजी, ये भी इसका क्या है, एक इफेक्ट है ना, उसका एक सिंगल पार्ट है, पूरा का पूरा मीनिंग नहीं है, तो पूरा मीनिंग आपका किसके अंदर आ रहा है, ए वाला आपका दोस्तों, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो आप, द अंडरलाइन फ्रेज हमारे पास है जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, थर्ड पैराग्राफ में दिया है, देयर इज मोर जंक अंडर द सैंड दैट मीट्स द ह्यूमन आइज, ठीक है, बहुत और भी ज्यादा जंक है, कचरा है सैंड के नीचे, जो कि इंसान देख सकते, जो इंसान को पता चलेगा, द पॉल्यूटेंट्स आर फिशिंग रिलेटेड डेब्रीज लाइक लाइन्स एंड नेट्स एंड सिंगल यूज हाउस होल्ड आइटम, ये तो नहीं होगा भाई, क्या देखो ये आपका क्या है दोस्तों, टिप ऑफ द आइसबर्ग आपका एक फ्रेज है, मतलब मोर है ना, मोर हिडन है ना, मोर हिडन देन सीन, ठीक है, जितना देखा जा रहा है उससे ज्यादा और भी हिडन है, तो ये क्या है, द सैंडी बीचेस हैव अ लॉट ऑफ नॉट मोर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और अनटच इकोलॉजी, इसकी बात नहीं हो रही है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, ऑल द अबव तो होगा नहीं है ना, मतलब ये फर्स्ट वाला हमारा राइट है कि देयर इज मोर जंक, ज्यादा जंक है और ज्यादा कचरा है, कहां पर, सैंड के नीचे है, रेती के, है ना, दैट मीट द ह्यूमन आईज, तो जिससे देन मीट्स द ह्यूमन आईज, तो ये आपका जो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखो आप 29th वाला, इसमें हमको बताना है कि कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है
वो फॉल्स है, ट्रू नहीं। कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है देखते हैं। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स ओवर 68% ऑफ द जंक इज फाउंड ऑन द सैंड। अच्छा, रिसर्च की अगर हम माने तो 68% जो जंक है, 68% जो जंक है वो कहाँ मिलता है, केवल रेत के ऊपर मिलता है। ये बात हो रही है क्या? नहीं, ऑन द सैंड नहीं, अंडर द सैंड की बात हो रही है कि भैया 68% जो है वो कहाँ है, अंडर द सैंड है। तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया ये। देखो एक प्रीपोजिशन का गलत यूज हुआ तो पूरा का पूरा मीनिंग अलग हो गया। तो ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, है ना। आपको लगेगा कि ऐसा का ऐसा सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या लिखा है, ओवर नहीं लिखा है, ऑन नहीं लिखा है, क्या लिखा है देखो आप, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 68% बरीड। देखो ये अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी यही तो हमारा डिपेंड करता है कि हमने कितना अच्छे से रीड किया, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे आप एक नंबर आपका गवा दोगे, ठीक है। आगे देखो, द ट्रैश इज फाउंड अप टू 10 centimeters बिलो द सैंड मे बी अंडर एस्टिमेटिंग द फुल एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, लास्ट में दिया है कि ट्रैश जो है 10 centimeters बिलो वहां तक दिया है, ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। द टाइनी आइलैंड इज होम टू ओवर 38 million पीसेस, बिल्कुल लिखा हुआ है आपके पैराग्राफ में, ये भी सही है। द आइलैंड इज हार्मफुल टू द वाइल्ड लाइफ लिविंग देयर, बिल्कुल ये भी ठीक है कि अब जो है ये आइलैंड एक तरह से वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पर है वहाँ पे पॉल्यूशन ट्रेसेस के कारण हार्मफुल होता जा रहा है। तो हमारा ए वाला जो है रॉन्ग, मतलब ए वाला हमारा एकदम राइट ऑप्शन हो गया। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पेपर का, देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कुड बी द मेन कॉज ऑफ आइलैंड्स डेंजरस स्टेट, ये जो आइलैंड की जो भयानक जो डेंजर हालत हुई है उसका कारण क्या हो सकता है, क्या कारण है बताओ जरा। ये साइंटिस्ट ये लोग कारण है, ये जाके करते हैं क्या? नहीं, ये तो रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिर द ओशन करेंट, ये हाँ, ये जो लहरें होती है ना बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची करेंट, दैट डिपॉजिट गार्बेज, जो गार्बेज को वहां पे इकट्ठा कर देती है थ्रू द सी टू हैंडरसन, वो समुद्र के रास्ते वहां पे हैंडरसन आइलैंड तक वो जमा कर देती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये रीजन है। आगे देखो, द आइलैंड्स जियोग्राफिकल पोजिशन एज इट लाइज क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन सेटलमेंट, नहीं भैया ये 5000 kilometers दूर है ये आइलैंड, तो क्लोजेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, और रेसिडेंट तो वहां पर रहते ही नहीं है, इसका मतलब हमारा बी वाला जो है बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलता हूं मैं आपसे फिर से नए पेपर के सॉल्यूशंस के साथ।